सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी भारत पे की तरफ से क्रेडिट कार्ड मिला है और उसके अंदर आपको लिमिट मिला है, तो उस अमाउंट को अगर आप यूज करते हैं तो उसको रीपेमेंट आप किस तरीके से करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। कि भारत पे क्रेडिट कार्ड का अगर आप लिमिट यूज किए हैं या फिर यूज करना चाहते हैं और उससे पहले आप ये देखना चाहते हैं कि उनका रीपेमेंट कैसे किया जाता है, तो वो सारा तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत पे क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को इस्तेमाल किए हैं तो उनको कैसे आप लौटाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भारत पे क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट को यूज किए हैं तो आपको रीपेमेंट करने में काफी आसानी है इसके अंदर। अगर मान लिया कि आपको 10,000 का लिमिट मिला है, जैसे कि मुझे 10,000 रुपए का लिमिट मिला है, मैं उसमें से 2,000 रुपए जो कि यूज किया हूँ, तब उसको रीपेमेंट आप चाहे तो 2,000 रुपए इकट्ठे आपको नहीं करने होंगे। अगर आपके पास इतने अमाउंट नहीं है जो कि आप एक बार में ही इनका रीपेमेंट कर दे, तो आप जो है इन्हें थोड़ा थोड़ा करके भी रीपेमेंट कर सकते हैं। ये काफी अच्छा ऑप्शन मुझे लगा है। भारत पे क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज जो कि यहाँ पर आपको नहीं देना होता है, मैं यहाँ पर 2,000 रुपए जो कि इस्तेमाल किया हूँ, एक भी रुपए इसके अंदर जो है मुझे इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना पड़ता है। और रीपेमेंट इनको लौटाने में भी काफी आसानी है, सुविधा है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2,000 का अमाउंट यूज किया हूँ, मेरे पास अभी 2,000 रुपए नहीं है, 500 रुपए ही है, तो आप चाहे तो वो 500 रुपए ही फिलहाल अभी इनको आप रीपेमेंट कर सकते हैं। जब जैसे आपके पास पैसे होते जाएंगे आप उस हिसाब से इनको रीपेमेंट करते जाइए। तो ये काफी अच्छा मुझे लगा है भारत पे क्रेडिट कार्ड के अंदर, जो कि जितने पैसे आपके पास है उतना रीपेमेंट कर दीजिए, बाकी का जो बच जाएगा वो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपके पास होगा वैसे आप इनको रीपेमेंट कर दीजिएगा। तो किस तरीके से उस बैलेंस को यूज करना है वो सारा तरीका मैं पिछले वीडियो में जो कि बता चुका हूँ कि भारत पे क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, फिर उसके अंदर आपको लिमिट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो वीडियो भी मैं बता चुका हूँ। भारत पे क्रेडिट कार्ड बैलेंस को कैसे यूज करना है वो भी मैं पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं और कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, उन सभी वीडियो को जो कि आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि उस पेमेंट को कैसे रीपेमेंट करना है। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे इनका रीपेमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि मुझे 10,000 रुपए का जो कि क्रेडिट लिमिट मिला है, जिसमें से गाइज मैं यहाँ पे 2,000 रुपए जो कि यूज किया हूँ और 8,000 रुपए मेरा अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है जो कि बाकी है। 2,000 रुपए मैं यहाँ से इस्तेमाल किया हूँ और 8,000 रुपए अभी भी मेरा बाकी है। गाइज मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये 2,000 जो इस्तेमाल किया हूँ इसको विदाउट रीपेमेंट किए हुए मैं इसमें से और अमाउंट जो कि इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये 2,000 इस्तेमाल कर लिया हूँ तो अब यहाँ से जो है इस्तेमाल नहीं होगा, आप जो है इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना इसे रीपेमेंट किए हुए भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों इसके अंदर आपको रीपेमेंट कैसे करना है। सो गाइज, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहले जो है मुझे यहाँ पर भारत पे क्रेडिट कार्ड जो है फिजिकली ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं था, होल्ड पे था जो कि कुछ दिनों से। तो अब देख सकते हैं गाइज, आज ही जो कि मेरा यह ऑर्डर करने का ऑप्शन जो कि आ गया है, भारत पे क्रेडिट कार्ड जो कि मैं ऑर्डर कर सकता हूं, मुझे ऑप्शन मिल गया है। तो आपको हो सकता है गाइज इसका ऑप्शन नहीं होगा, ऑन होल्ड पे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का था, मेरा भी था, लेकिन मेरा आज ही यहाँ पे जो कि ऑर्डर का ऑप्शन आ गया है। भारत पे क्रेडिट कार्ड हम चाहे तो यहाँ से ऑर्डर करके जो कि ले सकते हैं। इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ गाइज कि आप रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो रीपेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, यहाँ रीपे नाउ का ऑप्शन है, इस वाले पर आप क्लिक कर लेंगे और करने के बाद जो है गाइज अब आपके सामने कुछ इस तरीके से है पेज जो कि ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहे तो पूरा ड्यू जो है वो पूरा यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं गाइज 2,044 रुपए है। आप चाहे तो एक ही साथ पूरा अमाउंट जो कि इनका रीपेमेंट कर सकते हैं जितना अमाउंट आप यूज किए हैं, या फिर आपके पास इतने अमाउंट नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी 2,000 रुपए नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपए ही इनको फिलहाल अभी रीपेमेंट करूंगा। सो गाइज, तो कस्टम अमाउंट नीचे लिखा हुआ है, इस वाले में आप चेक मार्क करेंगे और करने के बाद जो है जितना भी आपको अमाउंट फिलहाल इनको रीपेमेंट करना है वो अमाउंट जो है आप यहाँ पे इनको डाल लेंगे और डालने के बाद नीचे रीपे नाउ का ऑप्शन है, इस वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे गूगल पे से, फोन पे से या फिर पेटीएम से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे भारत पे से भी कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन किए हैं आपके अंदर एक्सेप्ट हुआ है अमाउंट तो उससे भी हो जाएगा, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं जो कि 0% फीस यहाँ पे आपको लगेगा अगर आप डेबिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करते हैं। सो गाइज, तो मैं यहाँ पे फोन पे से करूँगा, तो सबसे ऊपर जो टिक लगा हुआ है इस वाले में ही आपको टिक रहने देना है, नीचे पे का ऑप्शन है, इस वाले पर आप क्लिक करेंगे
तो करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिलेगा, फोन पे, मोबीक्विक, ट्रू बैलेंस, अमेजोन, या फिर आपको यहाँ पे गूगल पे का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फोन पे से करूँगा, हम फोन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है गाइज, अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे चलेगा तो उस पेज पे ये आपको लेकर चला जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ से आप जो है इनका ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ ट्रांजेक्शन, देख सकते हैं गाइज सक्सेसफुल जो कि हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 1000 रुपये जो कि मैं इनको फ़िलहाल रीपेमेंट कर दिया हूँ। तो 1000 रुपये जो है मैं इनको रीपेमेंट यहाँ पे अभी फ़िलहाल कर दिया हूँ। सो गाइस, तो अब देख सकते हैं कि मेरा 1000 रुपये जो कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गया है, 9000 का लिमिट अब मुझे मिल गया है। तो कुछ इस तरीके से ही जो कि आप इनका रीपेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है, अगर आपको भी लिमिट यहाँ पे मिलता है तो काफ़ी बेस्ट रहेगा, काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है। कोई भी इंटरेस्ट चार्ज जो कि मुझे नहीं देना होता है। सो गाइस, तो मैं जल्द ही इनका क्रेडिट कार्ड जो कि मंगवाने वाला हूँ यहाँ से, मैं जल्द ही इनका ऑर्डर करूँगा और भारत पे का क्रेडिट कार्ड जो कि अपने पास मंगाऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।